हेलो स्टूडेंट, NDA-2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। एक सेशन मैंने आपके साथ लिया था और सबसे पहले एक बार फिर से उन सभी स्टूडेंट को ढेर सारी बधाइयां जिनका कि NDA-2 का कट ऑफ या NDA-2 क्लियर हो गया है। आगे क्या करना है उस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, पर ये सेशन उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर, जिन्होंने आपने मुझे मैसेज भेजे हैं कि मेरा स्कोर 340 है, 352 है या 140 मैथ्स में है, 260 GAT में, फिर भी कॉल नहीं आया। तो मैं आपको पहले कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और जो जो आपने मुझे मैसेज किए हैं वो सारे मैसेज भी मैं आपके साथ बताना चाहूंगा और उन सभी बच्चों को बधाइयां देना चाहूंगा जो ऑनलाइन से जुड़े हुए थे और जिनके इस साल रिजल्ट बहुत अच्छे निकले हैं। जैसे कि मुझे बच्चों ने भेजे हैं जो मैसेज, उनमें से 132 इन मैथ्स, 202 इन GAT बट नॉट सिलेक्टेड। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब 102, ये सेशन आप सभी लोग क्योंकि परेशान हो रहे हैं और NDA अपना जो रिजल्ट है कट ऑफ वो बाद में क्लियर करता है, डिक्लेयर करता है, तो ऐसे में आपका परेशान होना जायज है। अब अगर मैं इसको देखूं तो 433 यानी 334.5 स्कोर है बट नॉट सिलेक्टेड, राइट। इस तरह से 410 एंड आई एम क्लियर। बीके द्विवेदी, आपको बहुत बहुत बधाई है, थैंक्स सर। 352 अबव लेकिन नहीं हुआ सिलेक्शन। ये इस तरह के मेरे पास जो मैसेज है, 345 नॉट सिलेक्टेड, राइट, एंड अलग अलग तरह के बच्चों के मैसेज है। अब एक और दिया है कि आई गॉट 410 मार्क्स, 130 इन मैथ्स, इंग्लिश 140, GS 140। सुनिए आप जरा ध्यान से, फिर भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं बताता हूं। सौरभ, आपको सौरभ शर्मा ने मुझे मैसेज किया है, 130 140 140 बट नॉट सिलेक्टेड, राइट। इस तरह के जो आपने मुझे मैसेज किए, पर उन सभी बच्चों को मैं पहले बधाई देना चाहूंगा क्योंकि ढेर सारे ऑनलाइन स्टूडेंट, क्लासरूम स्टूडेंट के साथ साथ इस बार ऑनलाइन स्टूडेंट ने भी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, कोई डाउट ही नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उन सभी बच्चों को एक बार बधाई। अब मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या क्या चीजें हो सकती थी आपके साथ, और बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए और थोड़ा सा अपने आप से अपने आप को असिस्ट करिए, राइट। होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या, मैं बताता हूं। नंबर वन, कि अगर मैं इस बार के कट ऑफ की बात करूं तो मैं जो स्टेटमेंट मैंने लास्ट, मतलब अभी जो सेशन लिया था उसमें बोला था, वही यहां बोलूंगा कि कट ऑफ 320 से 330 के बीच ही गया है। फिर भी जिनके स्कोर 330 से ऊपर है और कॉल नहीं आया है, क्या रीजन हो सकता है वो मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। कट ऑफ इतना ही लगभग गया है यहां पर, क्योंकि मैंने देखा जो बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं और उन बच्चों के सिलेक्शंस के स्कोर को देखें तो सबसे खास बात है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर ऐसे थे, करीब करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे थे जिनका 400 प्लस स्कोर था, तो उनका होना ही था। पर 10 स्टूडेंट के आसपास ऐसे भी थे जिनका स्कोर 330 से 350 के बीच में था, उनका भी हुआ। बाकी यहां पर जब भी कोई बच्चा मुझे कोई स्कोर बताता तो मैं 10 माइनस वैसे ही करता हूं, मतलब मुझे आदत में, जैसे मुझे किसी बच्चे ने बोला कि सर मेरा स्कोर 335 है तो मैं बोलता हूं 325, प्लस माइनस 10 तो करना ही चाहिए। पर इनके भी अगर सिलेक्शंस हुए हैं तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ 320 से 330 के बीच ही रहा होगा। हायर साइड जाए तो 330 बहुत ज्यादा, अगर बोलूं मैं 335 पर चांसेस नहीं है, 320 से 330 के बीच में ही होगा। आप देखिएगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये सेशन और ये स्कोर। अब बात आती है उसके बाद भी जिनके स्कोर 330 से ऊपर हो रहे और हम बहुत हायर साइड ले ले तो मैं ये बोल सकता हूं कि 340। अब जैसे कोई बच्चा बोल रहा है कि 410 है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप खुद सोच लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 410 स्कोर पर नहीं हुआ। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कुछ चीजें हमने नोटिस की हैं और जो चीजें नोटिस की हैं वो सब मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। इसलिए परेशान ना हो, पैनिक ना हो, पहले थोड़ा समझिए, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचिए। कॉपी मैन्युअली चेक नहीं होती है, कॉपी मशीन से चेक होती है, OMR स्कैनर से चेक होती है। OMR स्कैनर की वर्किंग मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा जिससे आप समझ पाए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिसके वजह से कॉपी में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहां पर भी मैंने देखा कुछ बच्चों के स्कोर जिन्होंने कैलकुलेट किए थे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाया, जिनका स्कोर 350 था फिर भी नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी थे जिनका 340 था उनका भी हुआ। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि 320 से 340 भी ले लें हम तो भी क्या 410, ऐसे भी बच्चे मुझे मैसेज में ऐसा भी है, मैं सबके नाम अभी पढ़ूंगा तो सेशन नहीं हो पाएगा, 360 380 फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। कुछ बच्चों ने लिखा 380 370, उसका रीजन मैं बताता हूं।
पहले तो एक चीज समझिए कि एनडीए का ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है, पहले हम वो समझे, उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ कैसे देखा जाता है, और आपका इन दोनों को क्रॉस करने के बाद भी अगर नाम नहीं आया तो क्या इश्यू हो सकते हैं वो समझे हम। और इस सेशन के बाद भी अगर आपके कोई डाउट हो तुरंत आप मैसेज लिखिएगा, मैं आपके साथ सेशन शेयर करूंगा। और जिन बच्चों का ऑलरेडी सिलेक्शन कॉल आ गया है और जो TES में है, मैंने आपको बोला था इसके पहले भी कि अब SSB के लिए क्या करना है, आपको आज इवनिंग में ही एक SSB से रिलेटेड सेशन मिलेगा कि फर्स्ट स्टेप SSB के लिए क्या होगी, और फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलूंगा। जिनका बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ वो रिजेक्ट निराश ना हो, परेशान ना हो, बल्कि NDA-1 के लिए प्रिपरेशन करें। इवन जिनका सिलेक्शन हुआ और NDA-1 के लिए एलिजिबल है 2020, उनको भी प्रिपरेशन करनी है। पर जिनका नहीं हो पाया उनको बिल्कुल एक भी दिन बिना गवाए इमीडिएटली एक्शन लेना है और अपनी पढ़ाई चालू करनी है। आप जहां पर भी पढ़े, इस सेशन का बिल्कुल ये पर्पज नहीं होता कि आपको इम्पिटस गुरुकुल ज्वाइन करना है या इम्पिटस गुरुकुल का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है, क्लासरूम डिपेंड होना आपका आपका मन है, आप करें नहीं है ना करें, पर जहां पर भी करें फुल फेथ के साथ करें और अपना 100% दें, जब आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूं, दो पॉसिबिलिटी है, अगर इस साल का मिनिमम कट ऑफ 25% गया होगा तो 75 और 150, ये मैथ्स ये GAT इसको मिला के होता है 225, और ओवरऑल कट ऑफ मान लेते हैं 330। अब मान लीजिए कि किसी बच्चे के मैथ्स में 300 है, पर वो सॉरी GAT में 300 है और मैथ्स में मान लीजिए 60 है, तो 360 स्कोर होने के बाद भी उसका कॉल नहीं आ सकता, मतलब वो क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एक मिनिमम नंबर है और एक है ओवरऑल नंबर का टोटल, पहले ये समझिए। या मान लीजिए किसी बच्चे के मैथ्स में, क्योंकि मेरे पास मैसेज है इसलिए मैं बता सकता हूं, मैथ्स में मान लीजिए किसी के 200 है और GAT में मान लीजिए 140 है, स्कोर होता है GAT में हम थोड़ा और कम ले लेते हैं, मान लीजिए GAT में मान लेते हैं 100 या 110 है, मान लीजिए एक एग्जांपल बोल रहा हूं 110 है, नेट स्कोर होता है, देखिए इंडिविजुअल कट ऑफ दोनों में क्लियर, नेट होता है 310, बट अगर 330 कट ऑफ गया है तो उससे ओवरऑल स्कोर कम है। बात समझिएगा ध्यान से, दो अलग अलग चीजें हैं, एक है मिनिमम मार्क्स और एक है दोनों मार्क्स का टोटल। तो इसका मीनिंग ये होता है कि मिनिमम मार्क्स मतलब इतने होना ही चाहिए हर सब्जेक्ट में, बट साथ में पर साथ में हमें क्या ध्यान रखना है, जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं जो लिख रहा था ध्यान नहीं दिया, 200 है मैथ्स में और मान लीजिए GAT में है 140, नेट स्कोर है 340, बट इसका कॉल नहीं आया होगा, ये सिलेक्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये मिनिमम क्राइटेरिया को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ओवरऑल इसको 340 है बट इंडिविजुअल कट। अभी मैं ये भी बताता हूं, मैंने इसलिए सबसे हाई साइड वाले बच्चे का लिखा 410, जिसके सब में क्लियर होने के बाद भी नहीं हुआ उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो भी बताऊंगा। पर पहले समझिए कि मैथ्स में 200 है, GAT में 140 है, नेट स्कोर है 340। अगर मैं बोलता हूं यहां 145 भी होता, यहां पर मान लीजिए 250 भी होता, ये 140 ले लेते, नेट स्कोर होता 390, तो भी ये क्वालिफाइड नहीं है, ये स्टूडेंट क्वालिफाइड नहीं है, क्योंकि मिनिमम चाहिए। और हो सकता है ये 25, देखिए अब तक अगर हम देखें तो एनडीए में 20% से लेके मिनिमम 30% के आसपास तक कट ऑफ गया है, और ये बात नहीं पता चलता। अगर 30% होता है तो 90, ये 180, नेट हो गया 270 और ओवरऑल चाहिए 330। अब ये 60 नंबर कहीं पे भी प्लस माइनस होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर 30% लिया होगा इस बार इनकेस, तो मैथ्स में आपके 80 मार्क्स हो मान लीजिए और GAT में मान लीजिए कि आपके 300 नंबर है, नेट स्कोर है 380, पर आप क्वालिफाइड नहीं है। मान लीजिए मैथ्स में नंबर है 250, GAT में नंबर है 150, अगर ये वाला है नेट स्कोर 400, तो भी क्वालिफाइड नहीं है। ये एक पहली चीज है, सबसे पहली चीज ये है कि ये एक पहला तो बेसिक फंडा ये। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आपके दोनों में ही स्कोर अच्छे हैं, जैसे बच्चे ने मुझे लिखा है कि मेरे 410 है फिर भी नहीं हुआ, मेरे 352 है फिर भी नहीं हुआ, 345 है फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है आपके मैथ्स में, मैं अभी ले लेता हूं कि मैथ्स में आपके 130 नंबर है, या यही ले लेते हैं 130 नंबर, GAT में आपके 210 नंबर है।
आपका नेट स्कोर होता है 340, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता? अब मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर जब एनडीए वन था तो एनडीए वन में कुछ बच्चों के यहां पर स्कोर एक्चुअल में कट ऑफ से ज्यादा थे, जो मैंने देखे चेक करे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बात समझने की कोशिश की, तो हम लोग यहां जो टेस्ट लेते थे हम उसको मैन्युअली चेक करते थे। तो मैन्युअली चेक जब हम करते हैं तो हमारे इमोशंस आ जाते हैं। किसी बच्चे ने, मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ढेरों कॉपी रखी है, और आप अगर इन कॉपी को ध्यान से, ये मैंने इसलिए उठा के लाया, हर संडे के टेस्ट की कॉपी है, इसमें कहीं पे कोई राइट रॉन्ग नहीं है, तो एक आइडिया देता हूं, ये जैसे कॉपी है, अब इन कॉपी में देखिए कहीं पे राइट मार्क नहीं है, इधर भी देखिए कहीं नहीं है, ये हम ओएम। फिर जब ये देखा कि बच्चों के स्कोर्स एनडीए वन में ओरिजिनल कट ऑफ से जो हमने जोड़ा था उसके ज्यादा होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका क्या रीजन था, उस चीज को समझा, तो समझ में ये बात आई कि सब कुछ सही है, इवन मैथ्स में भी स्कोर अच्छा है, जीएटी में भी स्कोर अच्छा है, फिर भी नहीं आई, तो हमको समझ में आया हो सकता है क्योंकि मैन्युअली चेक करने में अगर ओवरडाकिंग गलत है, ऊपर नीचे एक काट के, अब इसमें क्योंकि हमने करा नहीं, पहले हम ये करते थे, तो एक मान लीजिए, ये कई बच्चे ऐसा करते हैं, इस वाली कॉपी में नहीं है कि इसको करा, इसको कट कर दिया, ऐसी अलग अलग टाइप की एक कोई भी कॉपी ले लेते हैं। यस, आप देखिए यहां पर ये जैसे अलग अलग कॉपी है, अब जबकि बोला गया पेन का कलर कौन सा यूज करना है, फिर भी पेन देखिए बच्चे ने अलग यूज किया है, जबकि आपके सामने एट्रेंडम कॉपी उठाई है। अब इससे ये चीज समझ में आती है, ये देखिए ये, अब क्या हुआ कि जब हमने ये समझा, क्योंकि इमोशन जब बच्चे चेक करते थे आपस में इंटरचेंज करके, तो वो प्रॉपर ओवरडार्किंग नहीं है उसको भी चेक कर देते थे, कुछ गलत करके अगला चेक करा उसको भी चेक कर देते थे, इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और ओएमआर स्कैनर लिया। तो लास्ट टाइम जब ओएमआर स्कैनर लिया, और ओएमआर स्कैनर में डॉट्स होते हैं, इनके साथ हम इस कॉपी को लगाते हैं, तो एक चीज नोटिस की, इवन ये यहां के बच्चे, अगर आपको किसी के फ्रेंड हो तो आप देखिएगा, बताएंगे वो, जब ओएमआर स्कैनर से कॉपी चेक करना स्टार्ट की, तो एक बेसिक प्रॉब्लम जो आई वो ये आई कि हर संडे कुछ ना कुछ कॉपी रिजेक्ट होती थी, अलग अलग कोर्स चलते हैं यहां पर जैसे, तो हर संडे कॉपी, मतलब एनडीए के भी बता दूं तो हर संडे 5-6 कॉपी रिजेक्ट होती थी। बच्चों को बिठा के समझाया गया कि ये चीजें हैं नब से पहले, और जबकि हमने अपने ओएमआर शीट में आप देखिए तो मिनिमम एंट्री रखी, केवल टेस्ट पेपर का कोड है, डेट है, यहां पर स्टूडेंट का नेम है, और यहां पर उसका रोल नंबर है, बाकी जबकि फाइनल एग्जाम में एंट्रीज और ज्यादा होती है, इतनी एंट्री के बाद भी हर संडे कॉपी रिजेक्ट होती थी और हो रही है। फिर मैंने एक चीज और बताई बच्चों को कि अगर आप मान लीजिए कि क्वेश्चन ए बी सी डी, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद चेक किया है, मैं ये मान ही नहीं सकता जब मैंने बच्चों को पढ़ाया और मैं देख रहा हूं कि उनका स्कोर एक्चुअल में 350, अभी की भी बात करो, अभी की भी, फिर भी उनका कॉल नहीं आया, तो ऐसा हो नहीं सकता। हम पढ़ाते हैं तो हमें पता होता है कि बच्चा क्या कर सकता है, फिर भी नहीं आया, और इतना समझाने के बाद भी ऐसी मिस्टेक्स होती है, इसलिए मैं इस बार बहुत क्लियर हूं, फिर बोलने वाला हूं बच्चों को कि जो बच्चा सीरियसली पढ़ सकता है, सारी बात सुन सकता है, समझ सकता है, वही भोपाल आने की बात करे। यस, तो मैं बात करूंगा कि ये देखिए, ये भी बताया गया कि आप जब पेन को मान लीजिए यहां रखे, भले ही आप डार्क नहीं कर रहे, इस पर ठोक भी रहे, या आपने बहुत हल्का सा किया और आपको एकदम ध्यान आया कि इसको कर दे, स्कैनर क्या करता है, स्पॉट को रीड करता है। तो इसीलिए पहले जब आपको याद हो कि पेंसिल से ओवरडार्किंग होती थी आपके समय नहीं, पहले तो पेंसिल से डार्क करने के बाद बच्चा क्या करता था, गलत लगता था, रब कर देता था अगला, पर वो यहां जो स्पॉट पड़ा था वो स्कैनर रीड कर लेता था, और स्कैनर के कोई इमोशंस नहीं होते, तो इसे भी रीड कर देता, इसे भी, तो वो उसे कैंसिल में काउंट कर लेता था, यानी निगेटिव मार्किंग हो गई, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कई बार ये होता है कि सीरीज 1 2 3 4 आप 5 क्वेश्चन एक साथ करते हैं, 1 2 3 4 5 आपने किया, और गलती से आपको 1 का लेना था, ए बी लग गया, उसके बाद के आपने ध्यान नहीं दिए, 5 के 5 गलत हो गए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक जगह पे 2 स्पॉट आना हो सकता है, यानी ओएमआर स्कैनर शीट फिलिंग में भी कई बार मिस्टेक होती है, और यहां पर जब थोड़े से बच्चों में, यानी ये जो बच्चे मैं बता रहा हूं, यहां पे लास्ट टाइम में 50 स्टूडेंट थे केवल, और 50 स्टूडेंट में ही अभी तक मोर देन 20 बच्चों का सिलेक्शन निकल चुका है, सोचिए आप कितना अच्छा रिजल्ट है। तो मैं ये देखता हूं कि जब 50 बच्चों में 4-5 कॉपियां रॉन्ग हो रही हैं, मना करने के बाद भी, समझाने के बाद भी, तो फिर वहां पर 3 लाख लोग दे रहे हैं,
और जबकि यहां पर ओएमआर स्कैनर से चेक हो रही है, हो सकता है कि कई जगह आप जहां पढ़ते हैं वहां ओएमआर स्कैनर से चेक हो रही हो, सकता नहीं होती मैन्युअली चेक हो रही हो, तो ये प्रॉब्लम भी एक हो सकती है। ये एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम है और ये बच्चे करते हैं, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। और ये हमें जब समझ में आई, जब हमने ओएमआर स्कैनर से चेक करना चालू किया, तो हर वीक ऐसा कोई वीक नहीं था जिसमें कि और क्यों, अरे सर फाइनल एग्जाम में तो हम सही कर लेंगे, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया, नाम लिखना भूल गए, कभी अपना रोल नंबर लिखना भूल गए, कभी प्रॉपर मार्किंग नहीं करी। तो मैं हमेशा बोलता था कि फाइनल एग्जाम के दिन कुछ अच्छा नहीं करोगे आप, अच्छा जब ही फाइनल में करोगे, जब आप हर वीक कुछ अच्छा करोगे। ये एक बहुत छोटी सी बात है पर इस बात को समझना चाहिए। तो ये एक चीजें हैं, ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका स्कोर मैथ्स और जीएटी का ओवरऑल कट ऑफ से भी ज्यादा हो रहा है, उसके बाद भी आप क्वालिफाई नहीं हुए, डिसक्वालिफाई हो गए, तो मे बी कि ये एक रीजन हो। दूसरा, कई बार हम जो चेक करते हैं और जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत होता है, 2-4 क्वेश्चन का होता है। हर साल मैंने देखा है कि करीब करीब मैथ्स में, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ टचबुक की, पिछले 2-3 बार से जो मैंने आपको मैथ्स के आपको आंसर की दी उसमें एक भी चेंज नहीं हुआ, पर फिर भी हो सकता है जीएटी में जरूर चेंज हुए हैं देखे मैंने। तो अगर 4-5 को हो सकता है मैथ्स में भी हो जाए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी हो सकता है एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, या हो सकता है जीएटी के एक दो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो, 2-3 का, ये भी पॉसिबल होती है। और आपको पता है 2-3-4 क्वेश्चन से, तो अगर आप 330 पर है और 2-3 क्वेश्चन में चेंज हुआ तो आप तो एकदम पीछे आ जाएंगे। आप थोड़ा सा सोचिए, आप थोड़ा समझिए कि जीएटी के एक क्वेश्चन के नंबर है 4, राइट? अगर 4 क्वेश्चन का भी डिफरेंस हुआ तो 4 4 16 माइनस ऑफ 4 यानी 20 नंबर पीछे हो गए ना। आप थोड़ा सा रियलिस्टिक प्रैक्टिकल होकर सोचिए तो कि मैं क्या कहना चाहता हूं भाई। आपको अब मैथ्स में तो 2.5 नंबर है, पर जीएटी में तो हमें पता है ना 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन भी अलग हुए तो आप एक्चुअल में 20 नंबर पीछे होते, ना कि 16 नंबर पीछे होते हैं, क्योंकि आपने जो कमाए हैं 4 नंबर वो भी कम गए 4 नेगेटिव मार्किंग से, और साथ में आपके जो राइट मिलने वाले थे वो भी गए। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस चीज को समझिए आप, और अकॉर्डिंग टू कि क्या चीज है जिसमें कि गड़बड़ हो सकती है वो समझिए। ऐसा कुछ हो सकता है कि ओएमआर स्कैनर में मिस्टेक करी हो, मतलब ये इतनी कॉमन है, देखिए हमने यहां पर लिखा भी है कि ये रॉन्ग है, आधा सर्कल भी रॉन्ग है, ऐसा खींचा तो भी रॉन्ग है, ये राइट वे क्या हो सकता है ये। तो यानी छोटी छोटी चीजें बताई हुई सब होने के बाद भी हर वीक कॉपी रिजेक्ट होती है, और जब यहां रिजेक्ट हो सकती तो वहां क्यों नहीं होंगी, ऐसा क्यों मान लें हम। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके स्कोर अच्छे होने के बाद भी 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है, कुछ आंसर जो आपने मार्क किए हैं 2 और जो ऑफिशियल आंसर किए उसमें कुछ चेंज हो। पहली पॉसिबिलिटी ओएमआर स्कैनर में मिस्टेक की पॉसिबिलिटी कि प्रॉपर आपने कोई चीज ना फिल करी हो, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है। आंसर फिलिंग करते समय भी मिस्टेक हो सकती है कि आपके दिमाग में था ए आंसर लगाना है इस क्वेश्चन का, गलती से बी लग गया या किसी का सी लग गया, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 4-5 क्वेश्चन से तो यहां से वहां स्कोर हो जाता है, ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप परेशान ना हो, पैनिक ना हो, बल्कि इमीडिएटली एक्शन लें और अपनी अगली पढ़ाई चालू करें, क्योंकि नेक्स्ट एनडीए में बहुत कम टाइम है, ऐसे में आपका एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस बार हमने, क्योंकि जो 12th अपेयरिंग स्टूडेंट थे वो भोपाल नहीं आ सकते थे, इसलिए इमीडिएटली एक ध्यान दिया कि पेन ड्राइव के साथ साथ बच्चों को और क्या चीज हो सकती है एड ऑन, जिससे उनकी रेगुलरिटी बने। पेन ड्राइव में बच्चे पढ़ाई अच्छे से कर रहे थे, पर प्रॉब्लम क्या होती थी, कभी 1 घंटे बैठते थे, कभी 1.5 घंटे, कभी 3 घंटे। तो इसलिए साथ में एक रेगुलर क्लास भी स्टार्ट की, जो क्लास यहां हो रही लाइव वो आपके साथ भी शेयर करना चालू किया, आप उसे लाइव देख पा रहे हैं। तो आपको पता होता है पर डे इस टाइम पे ये क्लास है और उतने ड्यूरेशन आप हमारे साथ बैठते हैं, और इमीडिएटली उसी समय आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप भेज सकते हैं। और इन सब के लिए मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूं कि impetusgurukul.com पे जाना है या लाइव impetusgurukul.com पे जाना है। impetusgurukul.com पे जाएंगे तो आपको एक लाइव का एक सिंबल दिखेगा, उसको क्लिक करते ही आप लाइव क्लास के एनडीए वाले सेक्शन में चले जाए कोर्स में, या सीधे लाइव impetusgurukul.com पे जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, या डाउनलोड कर लें हमारा इंपिटस गुरुकुल का ऐप, उसका लिंक भी इंपिटस गुरुकुल की साइट पे दिया है। इंपिटस गुरुकुल की साइट पे जैसे ही जाएंगे तो ऐप का लिंक दिया है, और यहां पर एनडीए से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही चेक करना चाहिए, upsc.gov.in पर,
राइट, बिल्कुल परेशान ना हो। और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मैसेज किया है, ऑनलाइन में भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, रिजल्ट आते जा रहे हैं, आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।